बेचारे के दांत बात तो है नहीं, तो गात तो खूब जड़ लेकिन हवा पास हो है जा पास रहे बाद में फिर से फिर हो जा। और माता बहनों की तरफ से क्यों नहीं याद बता, पहले हवाई माता बहनों को बहुत कम पढ़ाओ जाते तो परीक्षित महाराज भैया लोग ज्यादा पढ़ते थे और माता बहनों को कम पढ़ाओ जाते। तो एक अम्मा आती अम्मा थी तो उन अम्मा के पास में उनको नाती आओ है दिल्ली पढ़ रहे हो तो जब दिल्ली से पढ़ने वाला लड़का जब यहाँ पर आएगा तो थोड़ा बोली भाषा में तो परिवर्तन होगा ही होगा। तो वो अपनी दादी के पास में पहुंचा तो दादी बेचारी पढ़ी लिखी आती नहीं, तो दादी से वह लड़का ने कहा बात कही कि दादी टॉयलेट अब्बुल दादी जो हती में टॉयलेट नहीं जानती थी का चीज होता है। तो अब वो लड़का बार बार कहता कि दादी टॉयलेट दादी टॉयलेट दादी टॉयलेट दादी परेशान है सोचन लगी न जाने जो काम आगे रहो। फिर से वो लड़का बोला अरे दादी टॉयलेट दादी ने दो चार कलपटी में थप्पड़ दे और पकड़ा हाथ पड़ोसी की दुकान पे लेके गई दुकानदार से गई दुकानदार सुन अगर तेरे पास टॉयलेट हो तो जाए दे दे एक घंटा वो परेशान करे। दुकानदार ने कही अम्मा का तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्यों जवाब दिया इसे घर में लेके जाओ बाथरूम में। अब पूछा बाथरूम कहाँ है बताया तुम्हारे घर में होगी बाथरूम हर किसी के घर में होती है। तो अब वे बाथरूम नहीं जानती थी पहले की अम्मा बाथरूम नहीं कहती है आज भी पनारो कह दिए या मोरी कह दिए हाँ लेकिन वे बाथरूम नए जानती थी। अब बन्ने नाती को हाथ पकड़ो घरे लेके गई और जब घरे लेके गई तो मैं बाथरूम ढूंढन लगी लेकिन ढूंढे से बड़े भैया वह बाथरूम उन्हें नहीं मिली। तो उनने लड़का को हाथ पकड़ो और जवाब दो कि लगत है तेरो पापा मीठेपुरी के बाजार में गो वह बाथरूम टॉयलेट दोनों जेब में धरे ले चलो गो जब बाप से है तो टॉयलेट दे दी और वह बाथरूम दे दी तब तक तू शांत बैठ जा। इसलिए हमें भी लगता है कि बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी है और बड़ी बूढ़ी अम्मा गाती है ना ये जब गए नहीं तो थोड़ी आवाज कम हो जाएगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि समझ में आए तो गाओ ना समझ में आए तो आवाज जरूर निकालो क्योंकि भगवान ने इतनी सुंदर मीठी मीठी आवाज दी है तो जाकर इसका उपयोग करो क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसके जबान होगी वो तो भगवान का भजन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर तो सभी बैठते होंगे ऐसे लोग कि जिनके पास जबान है तो सभी बोलेंगे।